नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज का सत्र हमारा, आज के सत्र से हमारे आधुनिक काल के सत्र शुरू हो रहे हैं। आधुनिक काल पर आधारित भारतेंदु और द्विवेदी युग पर आज का सत्र आयोजित किया जा रहा है और इसमें भारतेंदु और द्विवेदी युग से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी। तो आप इसको ध्यान से सुने, जो जो मैं कहूं उस एक एक बिंदु को अपनी स्मृति पटल पर अच्छी तरह से अंकित कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। आज के सत्र का सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो हर विद्यार्थी को पता होना चाहिए, डॉक्टर नगेंद्र ने आधुनिक शब्द को किन दो अर्थों का बोधक माना है? इस प्रश्न को शुरू करने से पहले एक बार फिर मैं दोहरा दूं, हालांकि हम आधुनिक काल के सत्रों में इस बात पर चर्चा कर चुके हैं, मैं दोहरा दूं कि आधुनिक काव्य को, आधुनिक साहित्य को समझने के लिए आधुनिक शब्द का क्या अर्थ है, इसको समझना बहुत जरूरी है। और इस प्रश्न के जरिए हम उस प्रश्न को, उस शब्द के अर्थ को समझ पाएंगे। तो यहां पूछा गया है कि डॉक्टर नगेंद्र ने आधुनिक शब्द को किन दो अर्थों का बोधक माना है? विकल्प है ईश्वर एवं जगत, बी इहलोक और परलोक, सी मध्यकाल से भिन्नता और नवीन इहलौकिक दृष्टिकोण, और डी भौतिक दृष्टिकोण और वैज्ञानिकता। तो दोस्तों, सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। ईश्वर और जगत आप सभी जानते हैं, ईश्वर से संबंधित और जगत से संबंधित इस तरह का कोई भी खास दृष्टिकोण यहां पर हमें अभिव्यक्त होता दिखाई नहीं देता। इहलोक और परलोक का अर्थ भी है ये लोक यानी ये संसार, और परलोक आप सभी जानते हैं। सी विकल्प में जो बात कही गई है उसे गहराई से समझने की जरूरत है। इसमें दो बातों पर बल दिया गया है। पहला, मध्यकाल से भिन्नता। मध्यकाल से भिन्नता का क्या अर्थ है? आधुनिक काल से पहले का जो समय है उसमें से भक्ति काल को कहा जाता है पूर्व मध्यकाल और रीति काल को कहा जाता है उत्तर मध्यकाल। यानी मध्यकाल शब्द में भक्ति काल और रीति काल दोनों समाहित है। तो डॉक्टर नगेंद्र का कहने का मतलब है कि जिस युग में आकर जो दृष्टिकोण है संसार के प्रति, जगत के प्रति, व्यक्ति व्यक्ति के प्रति, हर क्षेत्र में जो दृष्टिकोण मध्यकाल से भिन्न हो जाता है, भक्ति काल में सब कुछ ईश्वर से के माध्यम से देखा जाता है, ईश्वर के रूप में देखा जाता है, उसी दृष्टि से देखा जाता है यानी आध्यात्मिक दृष्टि की प्रधानता है। रीति काल में श्रृंगार भौतिकवादी दृष्टिकोण है, उसकी प्रधानता है। लेकिन आधुनिक काल जब आता है तो आधुनिक साहित्य में हर चीज को एक नए दृष्टिकोण से देखने की प्रवृत्ति विकसित होती है और वो है मध्यकाल से भिन्नता। अब है नवीन इहलौकिक दृष्टिकोण। भक्ति काल में संसार के लिए जो भी इहलोक यानी इस लोक के लिए जो कुछ भी कहा गया उसमें यही था कि जगत क्षण भंगुर है, इसलिए हमें प्रभु का नाम, ईश्वर का स्मरण करते हुए मुक्ति, मोक्ष प्राप्ति की बात करनी चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। ये उनका इहलौकिक दृष्टिकोण था। और इस तरह के संसार के प्रति दृष्टिकोण के पर विचार करने की रीति काल के कवियों को समय ही नहीं था, उनको जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि उनका पूरा का पूरा समय अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने, उनका मनोरंजन करने, उनकी विलासी प्रवृत्तियों को आनंदित करने में ही व्यतीत होता था, इसलिए उन्होंने इस दृष्टि से कोई सोचा ही नहीं। लेकिन आधुनिक काल जब आता है तब इस संसार के प्रति एक नई भी नई दृष्टि का आगाज होता है, एक नई दृष्टि का उदय होता है, और वो दृष्टि है वैज्ञानिक बोध और बुद्धिवाद पर। यानी जो कुछ हमारे यहाँ परंपरा से चला आ रहा है उसको तर्क की कसौटी पर कसने, उसकी प्रासंगिकता की आज के समय के अनुसार जांच करने के बाद यदि वो प्रासंगिक है तो उसे स्वीकार किया जाता है, और यदि वो अप्रासंगिक है तो उसका बहिष्कार किया जाता है, उसका त्याग किया जाता है। ये है नवीन अहलौकिक दृष्टिकोण। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, इससे संबंधित और भी कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये कंसेप्ट, ये अवधारणा आपकी बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी, भौतिक दृष्टिकोण। संसार के प्रति केवल भौतिक दृष्टिकोण है और वैज्ञानिकता आप सभी जानते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का प्रारंभ कब से माना है? ए 1843 ईस्वी, बी 1850 ईस्वी,
सी 1857 ईस्वी, डी 1868 ईस्वी। दोस्तों ये जो विकल्प दिए गए हैं ये आपको भ्रमित करने के उद्देश्य से ईस्वी सन में दिए गए हैं। मैंने पिछले सत्र में भी चर्चा की थी कि आचार्य शुक्ल ने जो काल विभाजन किया है वो विक्रम संवत में है, और विक्रम संवत में जो काल विभाजन दिया जाता है उसमें से 57 घटाने पर ईस्वी सन आता है। आप इस बात को बिल्कुल मत भूलिए क्योंकि इसके कारण भ्रमित होने की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि आधुनिक काल का विक्रम संवत में 1900 से और अब तक समय है, और 1900 में से यदि हम 57 घटाएंगे तो 1843 आता है। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है, ईस्वी सन में बात कही गई है तो आप 1900 ना ढूंढें इसमें, 1843 ईस्वी सन और विक्रम संवत पर ध्यान देकर ही सही उत्तर चिन्हित करें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, मिश्र बंधुओं ने भारतेंदु युग की सीमा मानी है, ए 1868 से 1893 ईस्वी, बी 1869 से 1888 ईस्वी, सी 1870 से 1900 ईस्वी, और डी 1850 से 1900 ईस्वी। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, और यहां भी आपको ध्यान में रखना है मिश्र बंधुओं ने विक्रम संवत में ही तिथियां दी हैं, तो यहां पर लेकिन ईस्वी सन है, यानी इसमें 57 जोड़ेंगे आप तो मिश्र बंधुओं ने अपने हिंदी अपने इतिहास ग्रंथ में जो कुछ भी लिखा है मिश्र बंधु विनोद में जो तिथियां दी हैं वही तिथियां आएंगी। तो 57 जोड़ने पर दोस्तों आएगी 1926 से 1945 विक्रम संवत, तो ये ध्यान में रखिए। तो 1869 से 1888 ईस्वी भारतेंदु युग की समय सीमा मानी है मिश्र बंधुओं ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काव्यधारा को किस ओर मोड़ा, निर्गुण भक्ति की ओर, स्वदेश प्रेम की ओर, रीति ग्रंथों की ओर, या श्रृंगार प्रियता की ओर। बहुत ही सरल सा सवाल है लेकिन आपको एक बिंदु कंठस्थ होना चाहिए, और वो है इस प्रश्न का उत्तर भी कि भारतेंदु युग से एक नया युग प्रारंभ होता है, इसीलिए डॉक्टर नगेंद्र ने भारतेंदु युग के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया है पुनर्जागरण युग, यानी जो भारत, जो भारत की चेतना पहले भक्ति में डूबी हुई थी उसके बाद श्रृंगार में डूब गई, उसके जागने का समय शुरू होता है भारतेंदु युग से। तो इसलिए उन्होंने जो श्रृंगारिकता चल रही थी रीतिकाल में उस धारा को हटाकर स्वदेश प्रेम की ओर जोड़ा, क्योंकि उस समय की मांग थी ये स्वदेश प्रेम की ओर जागृत होना, उसके प्रति सचेत होना, ये उस समय भारतवासियों के लिए बहुत जरूरी था ताकि वो अपने स्वतंत्रता आंदोलन में कटिबद्ध होकर नीतिबद्ध होकर अग्रसर हो सकें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, भारतेंदु जी जिस प्रकार वर्तमान गद्य भाषा के स्वरूप प्रतिष्ठापक थे उसी प्रकार वर्तमान साहित्य परंपरा के प्रवर्तक, उक्त कथन किसका है, ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी बाबू गुलाब राय, सी रामचंद्र शुक्ल, या डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के विषय में अपने इतिहास ग्रंथ में ये कथन प्रस्तुत किया है। इस कथन को समझ लेते हैं एक बार। इसमें कहा गया है कि भारतेंदु जी जिस प्रकार वर्तमान गद्य भाषा के स्वरूप के प्रतिष्ठापक थे। दोस्तों आप सब जानते हैं कि गद्य का सही तरीके से सही रूप में जो विकास है वो भारतेंदु युग से शुरू हुआ, और खास तौर पर खड़ी बोली गद्य के विकास की बात मैं कर रही हूं। तो उसी बात को ध्यान में रखकर शुक्ल जी ने कहा कि जिस तरह से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने आधुनिक जो खड़ी बोली गद्य है उसका प्रवर्तन किया, यानी उसके लेखन की शुरुआत की, गद्य खड़ी बोली में गद्य लिखने की शुरुआत की, उसी तरह से जो पहले से चली आ रही परंपरा थी साहित्य की परंपरा उसमें नई नई परंपराओं का प्रवर्तन भी किया, यानी नए नए साहित्य रूपों में लेखन प्रारंभ किया। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य प्रवृत्तियों में, उनके साहित्य के योगदान में इस कथन में चर्चा की गई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के संदर्भ में कौन सा विवरण सही नहीं है, वे साहित्यानुरागी और कोमल हृदय व्यक्ति थे, उन्होंने वैष्णव धर्म के प्रचारार्थ तदीय समाज की स्थापना की, उनका साहित्यिक कार्य गद्य पद्य की अनेक विधाओं तक फैला हुआ था,
उन्होंने प्राचीन की पूर्ण उपेक्षा करके नवीन को पूर्णतः अंगीकार किया। दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व और कृतित्व के विषय में ये कथन पूरी तरह से असंगत है। यदि उन्होंने प्राचीन की पूर्ण उपेक्षा की होती तो वे प्राचीन धार्मिक परंपराओं पर आधारित ग्रंथ नहीं लिखते, क्योंकि हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति, हमारी धार्मिक भावना से जुड़ी हुई हैं। तो उन्होंने प्राचीन की उपेक्षा केवल वहीं की ही जहां आधुनिकता के निर्वाह के लिए बहुत जरूरी था, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से प्राचीन की उपेक्षा करके नवीन को नहीं अपनाया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, भारतेंदु युगीन काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? यह युग प्राचीन ब्रजभाषा काव्य और नवीन खड़ी बोली काव्य का मिलन बिंदु रहा। इसमें प्राचीन परंपरानुसार रस, अलंकार, नायक नायिका भेद आदि से संबंधित रचनाएं भी लिखी गईं। इसमें देशभक्ति, लोकहित, सामाजिक पुनर्निर्माण आदि नवीन विषयों पर भी रचनाएं प्रस्तुत की गईं और इस युग में खड़ी बोली की नवीन काव्य शैली का प्राधान्य रहा। तो दोस्तों देखिए, ए विकल्प में कहा गया है ये युग प्राचीन भाषा काव्य, ब्रजभाषा काव्य और नवीन खड़ी बोली काव्य का मिलन बिंदु रहा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ब्रजभाषा का प्रयोग भी हो रहा है काव्य में और खड़ी बोली का शुरुआत हो रही है, तो यानी दोनों भाषाओं का काव्य में मिलन हो रहा है, इसलिए यह कथन बिल्कुल सही है। दूसरी बात, रीतिकाल से जो परंपरा चली आ रही थी नायक नायिका भेद रस अलंकार आदि पर ग्रंथ लेखन की, वो परंपरा भी यहां धीरे धीरे चलती रही, यानी ये कथन भी बिल्कुल सही है। इसमें देशभक्ति, लोकहित, सामाजिक पुनर्निर्माण आदि नए विषयों पर भी रचनाएं प्रस्तुत की गई, ये कथन भी बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि ये कथन भारतेंदु युगीन काव्य के विषय में असंगत है। कैसे? इस युग में, इसमें कहा गया है इस युग में खड़ी बोली की नवीन काव्य शैली का प्राधान्य रहा। नवीन काव्य शैली तो रही खड़ी बोली की, लेकिन उसकी प्रधानता नहीं रही, प्रधानता ब्रज भाषा में काव्य लेखन की ही रही, क्योंकि ब्रज भाषा की परंपरा, ब्रज भाषा में काव्य लेखन की परंपरा प्रारंभ से चली आ रही थी, परंपरा से चली आ रही थी, पूर्णतः विकसित थी। लेकिन नई खड़ी बोली में जो नई काव्य परंपरा उदित हुई वो धीरे धीरे जन्म ले रही थी, और कोई भी वस्तु, कोई भी परंपरा जब जन्म लेती है तो अपने पूर्ण चरमोत्कर्ष पर क्रमशः पहुंचती है, तो इसलिए ये कथन पूरी तरह से असंगत है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, भारतेंदुकालीन साहित्य और उनकी प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? रीतिकाल की तुलना में इस काल के साहित्य में विषय चयन में व्यापकता एवं विविधता आई। इस काल में मातृभूमि प्रेम, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग तथा शिक्षा के प्रचार प्रसार पर बल दिया गया। इस काल के लेखकों ने बाल विवाह, भ्रूण हत्या, विधवा विवाह निषेध, विधवा विवाह निषेध जैसी सामाजिक कुरीतियों पर जमकर प्रहार किया। राजभक्ति की अपेक्षा राष्ट्रभक्ति को प्राथमिकता देते हुए इस काल के साहित्यकारों ने अंग्रेजी राज्य की सब प्रकार से भर्त्सना की। तो दोस्तों रीतिकाल की तुलना में यहाँ विषय वैविध्य रहा, ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा, मातृभूमि के प्रति प्रेम, स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग को प्रोत्साहन देना, शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, ये भी इस काल में रहा, इसलिए ये भी सही है। इस काल के लेखकों ने इन सभी कुप्रथाओं, बाल विवाह, भ्रूण हत्या, विधवा विवाह निषेध, जितनी भी ये सामाजिक बुराइयां थी जो हमारी प्रगति में, हमारी सामाजिक, हमारे देश की प्रगति में बाधक थी, उन सब पर चोट की ताकि उनका उन्मूलन हो सके। लेकिन तो ये कथन भी बिल्कुल सही हो गया, लेकिन राजभक्ति की अपेक्षा राष्ट्रभक्ति को प्राथमिकता देते हुए इस काल के साहित्यकारों ने अंग्रेजी राज्य की सब प्रकार से भर्त्सना की, ये बिल्कुल गलत है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का काव्य दोस्तों स्वयं इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने जहां एक ओर अंग्रेजी शासन के प्रति भक्ति का भाव प्रदर्शित किया, वहीं दूसरी ओर बहुत मीठे से, बहुत हल्के से उनकी शोषणवादी नीतियों की आलोचना भी की, यानी राजभक्ति को भी उन्होंने महत्व दिया और राष्ट्रभक्ति को भी महत्व दिया, लेकिन राजभक्ति को महत्व कम देते हुए अंग्रेजी राज्य की भर्त्सना उन्होंने नहीं की, यानी जमकर भर्त्सना नहीं की, अंग्रेजी राज्य की कुछ कुछ बातों पर भर्त्सना की गई, लेकिन वो भर्त्सना बहुत कटु शब्दों में नहीं की गई थी, बहुत मीठे शब्दों में की गई थी। तो इस बात को ध्यान में रखना है। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, यहां राजभक्ति भी है काव्य में और राष्ट्रभक्ति भी है, तो आंसर हुआ डी। अगला प्रश्न, इनमें से किस लेखक का संबंध भारतेंदु मंडल से नहीं था?
प्रताप नारायण मिश्र, बाल कृष्ण शर्मा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठाकुर जगन मोहन सिंह। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन और ठाकुर जगन मोहन सिंह भारतेंदु मंडल के सदस्य थे, भारतेंदु मंडल के कवि थे, लेकिन बाल कृष्ण शर्मा नवीन राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवियों में गिने जाते हैं, तो इनका भारतेंदु मंडल से कोई योगदान, कोई संबंध ही नहीं है। तो आंसर हुआ बी। अगला प्रश्न, निम्न कृतियों में से कौन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति नहीं है? प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी और वीरबाला। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। ये तीनों कृतियां भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। वीरबाला जो कृति है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है, बल्कि राधा चरण गोस्वामी की है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? वे नवयुग के अग्रदूत और हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता थे। उन्होंने भारतीय जीवन की समस्त बुराइयों की निंदा कर उसे स्वस्थ एवं प्रशस्त बनाने की चेष्टा की। गद्य और पद्य दोनों में ही उन्होंने खड़ी बोली हिंदी का ही व्यवहार किया। उन्होंने देशभक्ति के साथ साथ राजभक्ति को भी अपने काव्य का वर्ण्य विषय बनाया। तो दोस्तों वे नवयुग के अग्रदूत थे, बिल्कुल सही है। हिंदी साहित्य में आधुनिक दृष्टिकोण के जन्मदाता थे, ये भी बिल्कुल सही है। उन्होंने भारतीय जीवन की समस्त बुराइयों की निंदा की और स्वस्थ और प्रशस्त बनाने की चेष्टा की, ये कथन भी बिल्कुल सही है। गद्य और पद्य दोनों में उन्होंने खड़ी बोली हिंदी का व्यवहार किया, ये गलत है। गद्य यहाँ इस युग में, भारतेंदु युग में, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने गद्य रचनाएं खड़ी बोली हिंदी में लिखी, लेकिन काव्य में उनके ब्रज भाषा की ही प्रधानता रही। तो ये असंगत कथन है, इसलिए यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। देशभक्ति और राजभक्ति दोनों को अपने काव्य का वर्ण्य विषय बनाया, इसकी चर्चा हम पिछले प्रश्न में कर ही चुके हैं। तो आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न, जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। सारे भारतेंदु युग के कवि हैं और उनका सही क्रम बताया गया है, क्योंकि अब बताना है और इस तरह के प्रश्न आजकल अक्सर परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के जितने भी प्रमुख प्रमुख कवि हैं उनका क्रम आप कंठस्थ कर लें। तो ए विकल्प है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र और जगमोहन सिंह। ये जगमोहन सिंह डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक में दोस्तों जगन मोहन सिंह मिलता है और बाकी जगहों पर जगमोहन सिंह मिलता है, तो आप दोनों ध्यान में रखें, बिल्कुल भ्रमित ना हो। जगन मोहन सिंह भी यही है और जगमोहन सिंह भी यही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, जगमोहन सिंह, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तीसरा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र और जगमोहन सिंह। और चौथा है प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन और जगमोहन सिंह। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। यदि इनके समय की बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का समय है 1850 से 1885, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का समय है 1855 से 1923, प्रताप नारायण मिश्र का समय है 1856 से 1894 और जगमोहन सिंह का समय है 1857 से 1899। तो क्रम से सिद्ध होता है कि यह कथन बिल्कुल पूरी तरह सही है। तो आंसर हुआ सी। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारतेंदु ने व्यंग्य के लिए किस शैली को नहीं अपनाया? पैरोडी, स्यापा, श्लिष्ट पदावली और गाली। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि व्यंग्य के लिए उन्होंने पैरोडी भी लिखी, स्यापा भी लिखा और गाली भी लिखी। श्लिष्ट पदावली का मतलब है कि एक ही पद शब्द के प्रयोग में अनेक अर्थों को व्यंजित करने का जो तरीका है, जो शैली है, उसे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नहीं अपनाया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित समस्या पूर्तियों में से असंगत विकल्प है चर्चा चलिबे की चलाइए ना प्रेमघन, पपीहा जब पूछे है पीयू कहां प्रताप नारायण मिश्र, सी पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियां दुखियां नहीं मानत है राधा कृष्ण दास,
और डी पूरी अमी की कटोरिया सी अंबिका दत्त व्यास। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। समस्या पूर्ति के विषय में एक बार फिर दोहरा दूं, भारतेंदु युग में साहित्य के विकास के लिए एक तरह का प्रयोग नया प्रयोग देखने को मिलता है। यहाँ कवि सम्मेलन आयोजित किए जाते थे, लेकिन कवियों को अपनी रचनाएं पहले से रचकर लिखकर मंच पर प्रस्तुत नहीं होना होता था, उनको वहीं पर विषय दिया जाता था और वे वहीं पर अपनी तात्कालिक प्रतिभा का परिचय देते हुए काव्य की रचना करते थे, काव्य पंक्तियां रचते थे और उन्हें सुनाते थे। यानी इसका अर्थ हुआ कि समस्या यानी टॉपिक विषय जो उनको दिया गया काव्य सृजन के लिए वो उनके लिए समस्या था और उस पर सृजन करना पूर्ति। तो ये भारतेंदु युग की अपनी एक अद्भुत अनुपम विशेषता है दोस्तों, जो किसी भी युग में नहीं मिलती। तो समस्या पूर्ति क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है भारतेंदु युग की, और ये कुछ प्रमुख समस्या पूर्तियां हैं जिनके लेखकों कवियों के विषय में आपको पता होना चाहिए। तो चर्चा चलिबे की चलाइए ना, ये बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की बहुत ही लोकप्रिय और प्रसिद्ध समस्या पूर्ति रही। पपीहा जब पूछे है पियो कहां, प्रताप नारायण मिश्र की समस्या पूर्ति रही। लेकिन पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियां दुखिया नहीं मानत है, ये राधा कृष्ण दास की समस्या पूर्ति नहीं है बल्कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की समस्या पूर्ति। और ये जो है अंबिका दत्त व्यास की समस्या पूर्ति है, पूरी अमी की कटोरिया से ये महारानी विक्टोरिया का गुणगान किया गया है क्योंकि भारतेंदु युग में राजभक्ति भी काव्य का विषय थी। तो यहां अंबिका दत्त व्यास ने पूरी अमी की कटोरिया सी जय जय हो महारानी विक्टोरिया की इस तरह की इस समस्या पूर्ति की है। तो यहां पर इस ये जो है बिल्कुल सही है। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है क्योंकि ये असंगत है। आगे चले, निम्नलिखित में से कौन सी कृति प्रेम घन की नहीं है? हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, आनंद अरुणोदय, प्रेम पुष्पावली। तो दोस्तों प्रेम पुष्पावली प्रेम घन की कृति नहीं है, ये कृति है प्रताप नारायण मिश्र की। तो यानी ये रचना प्रेम घन की नहीं है और यही इस प्रश्न का सही उत्तर है, आंसर हुआ डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पत्रिका के संपादन का श्रेय प्रेम घन को दिया जाता है? ए आनंद कादंबिनी, बी ब्राह्मण, सी हिंदी प्रदीप और डी सार सुधा निधि। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है क्योंकि प्रेम घन ने आनंद कादंबिनी नामक प्रसिद्ध पत्रिका का संपादन किया और ये पत्रिका उन्होंने मिर्जापुर नामक स्थान से प्रकाशित करनी शुरू की थी। लेकिन ब्राह्मण जो है वो प्रताप नारायण मिश्र की पत्रिका थी, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, बहुत ही प्रसिद्ध पत्रिकाएं हैं ये। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका है और सार सुधा निधि पंडित सदानंद मिश्र की पत्रिका है। तो पूछा गया है प्रेम घन की पत्रिका, तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, आंसर हुआ ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी राधा कृष्ण दास की नाट्य कृति नहीं है? ए महाराणा प्रताप, बी कली कौतुक, सी दुखिनी बाला और डी सती प्रताप। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, शेष सभी महाराणा प्रताप, दुखिनी बाला, सती प्रताप, ये सब राधा कृष्ण दास की नाट्य रचनाएं हैं लेकिन कली कौतुक प्रताप नारायण मिश्र की कृति है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से द्विवेदी युगीन कविता के विषय में कौन सा कथन सही है, यानी सही कथन हमको बताना है। पहला है इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युगीन कविता की विशेषता है, दूसरा है राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना इस युग की कविता का मुख्य स्वर रहा है। अब विकल्प दिए गए हैं, केवल क्रमांक एक सही है, बी केवल क्रमांक दो सही है, सी क्रमांक एक और दो दोनों सही हैं या डी क्रमांक एक और दो दोनों गलत हैं। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों क्योंकि ये दोनों कथन सही है। इतिवृत्तात्मकता यानी वर्णन करने की प्रधानता, बार बार एक ही बात को दोहराने और वर्णन की प्रधानता की बात को की प्रवृत्ति को इतिवृत्तात्मकता कहते हैं, जो कि द्विवेदी युग में भरपूर मात्रा में देखने को मिलती है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना भी इस युग की कविता की
प्रमुख विशेषता है, क्योंकि इसी युग में दोस्तों मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती जैसी अनमोल कृति लिखी और भी बहुत सारी राष्ट्रीय चेतना और सांस्कृतिक चेतना से भरपूर रचनाएं इस युग में की गई। यानी दोनों कथन अपने आप में सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। तो आंसर हुआ सी। 19वां प्रश्न, हिंदी साहित्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे, उक्त कथन किसका है? विकल्प है डॉक्टर नगेंद्र, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी पंडित नंद दुलारे वाजपेयी। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही अपने ग्रंथ में महावीर प्रसाद द्विवेदी के विषय में ये कथन अभिव्यक्त किया है। इसमें उन्होंने दो खास बातों पर चर्चा की है, उस पर ध्यान केंद्रित किया है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भाषा को शुद्ध करने और उसे व्याकरण सम्मत व व्याकरण से परिपुष्ट बनाने में जो महत्वपूर्ण योगदान दिया वो उनका अतुलनीय योगदान है और उसके लिए हिंदी साहित्य उनका हमेशा ऋणी रहेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, श्याम नारायण पांडे के व्यक्तित्व और कृतित्व से संबंधित कौन सा कथन असंगत है? महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुए ऐतिहासिक युद्ध पर आधारित हल्दी घाटी इनका एक खंड काव्य है। इनके द्वारा रचित जौहर राजस्थान के इतिहास के लोम हर्षक आत्म बलिदान पर आधारित महाकाव्य है। इन्होंने आधुनिक युग में वीर काव्य की परंपरा को खड़ी बोली में प्रतिष्ठित किया है। इनके संस्कार द्विवेदी युगीन, दृष्टिकोण उपयोगितावादी और भाव विस्तार मर्यादावादी है। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि यही असंगत कथन है। इसमें कोई संदेह नहीं कि श्याम नारायण पांडे ने राणा प्रताप और अकबर के बीच जो ऐतिहासिक युद्ध हुआ हल्दी घाटी का, उस पर आधारित एक हल्दी घाटी नामक काव्य की रचना की है। लेकिन दोस्तों वो खंड काव्य नहीं है, वो है महाकाव्य। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, यानी आपको बहुत बारीकी से एक एक कथन को पढ़ना है जब असंगत कथन पूछा जाए तब। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, आंसर हुआ ए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति द्विवेदी युगीन काव्य धारा में लक्षित नहीं होती? लक्षित यानी दिखाई नहीं देती। ए प्रबंध, मुक्तक, प्रगीत, प्रभृति सभी काव्य रूपों का प्रचलन। प्रभृति का अर्थ होता है दोस्तों आदि। बी हास्य व्यंग्यपूर्ण कविता की प्रचुरता। सी काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का अधिकाधिक प्रयोग। और डी आदर्शवादिता और नैतिकता पर बल। हमें काव्य धारा में कौन सी प्रवृत्ति नहीं दिखाई देती उस कथन का चयन करना है। तो प्रबंध रचनाएं, मुक्तक रचनाएं और गीत, ये सभी रचनाएं यहां लिखी गई, यानी ये प्रवृत्ति द्विवेदी युग में है। हास्य व्यंग्यपूर्ण कविता की प्रचुरता, ये प्रवृत्ति नहीं है, क्योंकि यहां पर नैतिक जीवन मूल्यों पर आधारित राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना पर आधारित काव्य की प्रधानता रही दोस्तों, इसलिए ये कथन असंगत है। हास्य व्यंग्य की छुटपुट कविताएं लिखी गई, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं लिखी गई, लिखी गई, लेकिन उनकी प्रचुरता नहीं है, उनकी बहुलता नहीं है, उनकी अधिकता नहीं है। तो ये असंगत कथन हुआ, यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली के अधिक अधिक से अधिक प्रयोग पर बल दिया और इसके प्रवर्तक भी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, जिनके नाम पर इस युग का नाम द्विवेदी युग रखा गया है। आदर्शवादिता और नैतिकता पर बल दिया, ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि ये द्विवेदी युग का युगीन काव्यधारा के विषय में असंगत कथन है, ये विशेषता हमें कहीं दिखाई नहीं देती। आगे चले, आज रात इससे परदेशी चल कीजिए विश्राम यहीं, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे ग्रहण संकोच नहीं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं दोस्तों, इसलिए ये प्रश्न यहाँ शामिल किया गया है। विकल्प है अंबिका दत्त व्यास, बी श्रीधर पाठक, सी राम नरेश त्रिपाठी और डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, इनकी एक कृति है पथिक, उसकी पंक्तियां हैं ये। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, मनोविनोद भाग एक, दो और तीन किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध, श्रीधर पाठक या फिर रामचरित उपाध्याय? तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, श्रीधर पाठक ने ही मनोविनोद भाग एक और दो नामक तीन खंडों में मनोविनोद नाम की रचना का सृजन किया। तो आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न,
भालों में रणझनकार अभी, लटकी कटी में तलवार अभी, भोलेपन में ललकार अभी, आंखों में है अंगार अभी। उपर्युक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, कन्हैयालाल सेठिया, श्याम नारायण पांडे। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, श्याम नारायण पांडे, जिन्होंने हल्दीघाटी और जौहर जैसे अनमोल महाकाव्य लिखे, उन्हीं की ये पंक्तियां हैं जिन्होंने वीर काव्य परंपरा को आधुनिक युग में फिर से पुनर्जीवित किया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, रचना काल के अनुसार श्रीधर पाठक की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है, श्रांत पथिक, उजड़ ग्राम, एकांतवासी योगी, सांध्य अटन। एकांतवासी योगी, उजड़ ग्राम, श्रांत पथिक, सांध्य अटन, उजड़ ग्राम, श्रांत पथिक, सांध्य अटन, एकांतवासी योगी, या फिर श्रांत पथिक, सांध्य अटन, एकांतवासी योगी और उजड़ ग्राम। सबसे पहले तो दोस्तों आपको ये ध्यान ले, बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब ये जो तीन कृतियां हैं, ये तीनों कृतियां श्रीधर पाठक की अनुदित कृतियां हैं। ये अंग्रेजी में एक साहित्यकार हुए हैं गोल्ड स्मिथ, उनकी कृतियों का अनुवाद है, अनुदित कृतियां हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए, प्रश्न पूछा जा सकता है। और सांध्य अटन उनकी मौलिक कृति है, और ये क्रम उनका बिल्कुल सही क्रम है, क्योंकि एकांतवासी योगी का रचना काल है 1886 और उजड़ ग्राम का है 1889 और श्रांत पथिक का है 1902 और सांध्य अटन का है 1918। तो ये क्रम बिल्कुल सही क्रम है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। अगला प्रश्न, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। यहां दो सूचियां हैं, एक में रचनाओं के नाम है, दूसरे में रचनाकार के नाम है, तो हमें सुमेलित करना है। वीर पंचरत्न, उलाहन पंचक, मातृवंदना और कानन कुसुम। इधर है मुकुटधर पांडे, गिरधर शर्मा नवरत्न, अमीर अली मीर और लाला भगवान दीन। तो दोस्तों वीर पंचरत्न जो कृति है वो है लाला भगवान दीन की, यानी सबसे पहले आएगा चार, उसके बाद उलाहना पंचक है अमीर अली मीर की, और इनका पूरा नाम दोस्तों सैयद अमीर अली मीर है। तो ये भी आप ध्यान में रख लें कि बाई चांस अगर पूरा नाम लिखा हुआ आए विकल्प में तो आपको ध्यान होना चाहिए। तो यानी तीसरा, चार के बाद आएगा तीसरा, और मातृवंदना गिरधर शर्मा नवरत्न की है यानी दूसरा, और कानन कुसुम कृति है मुकुटधर पांडे की यानी पहला। 4-3-2-1 यानी उल्टे क्रम में कृतियों का के नाम दिए गए हैं। अब यहां एक बात और आपको ध्यान में रखनी है, कानन कुसुम नाम की एक जो कृति है वो जयशंकर प्रसाद की भी है दोस्तों। तो बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होंगे, जयशंकर प्रसाद का नाम यहां नहीं है, मुकुटधर पांडे का नाम है। तो मुकुटधर पांडे की रचना है ये बात बिल्कुल, मैं हिंदी साहित्य कोश, मैं भी भ्रमित हो गई थी हिंदी साहित्य कोश को लेकर, पूरे प्रामाणिक तौर पर आपके सामने ये तथ्य प्रस्तुत कर रही हूं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होना चाहिए 4-3-2-1। कूट देखते हैं, सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, 4-3-2-1 आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न, द्विवेदी युगीन कविता के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? द्विवेदी युगीन कविता में राष्ट्रीयता का अभाव है, द्विवेदी युगीन काव्य में नीति और आदर्श की प्रधानता है, द्विवेदी युगीन काव्य में वर्ण विषयों का विस्तार हुआ है, या द्विवेदी युगीन काव्य में सभी काव्य रूपों का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि द्विवेदी युगीन काव्य में राष्ट्रीयता का अभाव नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय चेतना और सांस्कृतिक चेतना की प्रधानता है। तो ये बिल्कुल असंगत है, नीति और आदर्श की प्रधानता है, ये हम एक और प्रश्न में पढ़ चुके हैं, वर्ण विषय का विस्तार हुआ ये भी हम पढ़ चुके हैं, और सभी काव्य रूपों में रचनाएं की गई ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। तो आंसर हुआ ए। अगला प्रश्न, हिंदी में स्वच्छंदता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जयशंकर प्रसाद, मुकुटधर पांडे, रामकृष्ण दास और नंदुलारे वाजपेयी। राय कृष्णदास कर लेंगे दोस्तों इसको, बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। सबसे पहले मुकुटधर पांडे ने अपने एक लेख में स्वच्छंदता शब्द का प्रयोग किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न,
द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी या बाबू गुलाब राय? तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। मैंने आपको बताया कि डॉक्टर नगेंद्र ने भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल कहा है और द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहकर संबोधित किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, द्विवेदी युगीन कविता की मुख्य प्रवृत्तियां हैं समाज सुधार, गीति काव्य की प्रचुरता, स्वच्छंदता और इतिवृत्तात्मकता। तो दोस्तों समाज सुधार तो है ही यहां पर, क्योंकि आदर्श और नैतिकता की बात हो रही है, और इतिवृत्तात्मकता की प्रवृत्ति तो द्विवेदी युग की एक अपनी खास पहचान है। लेकिन ये दोनों प्रवृत्तियां छायावाद और छायावादोत्तर काव्य में देखने को मिलती हैं, यानी द्विवेदी युग में ये प्रचुर मात्रा में नहीं है, स्वच्छंदता तो है ही नहीं क्योंकि नैतिक मूल्यों का अनुशासन है वहां। तो पहला और चौथा ये विकल्प सही है, तो कूट देखते हैं। पहला ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, पहला और चौथा सही, तो आंसर हुआ ए। अगला प्रश्न, महावीर प्रसाद द्विवेदी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी को 1923 में 13वें हिंदी साहित्य सम्मेलन में काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा अभिनंदित किया गया, बिल्कुल सही कथन है। 1933 ईस्वी में प्रयाग में आयोजित द्विवेदी मेले में दिए गए इनके भाषण पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुए, ये कथन भी बिल्कुल सही है। और द्विवेदी जी ने लोकहित, नवीन शैली, गंभीर उद्देश्य एवं निर्दोषिता को श्रेष्ठ काव्य की कसौटी माना, ये कथन भी बिल्कुल सही है। जाहिर सी बात है डी विकल्प गलत है, यही इस प्रश्न का उत्तर है। और इसमें कहा गया है द्विवेदी जी ने श्रृंगारिक रचनाओं को सरस्वती में प्राथमिकता दी, जबकि प्राथमिकता नहीं दी बल्कि तिरस्कार किया, उपेक्षा की। यही कारण है दोस्तों कि निराला की जूही की कली को इन्होंने सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने से लौटा दिया था, प्रकाशित नहीं किया था, मना कर दिया था और कहा था कि ये एक घोर श्रृंगारिक कविता है, इसका प्रकाशन सरस्वती पत्रिका में नहीं हो सकता। तो ये बात इस कथन को गलत सिद्ध करती है कि उन्होंने सरस्वती में श्रृंगारिक रचनाओं को प्राथमिकता नहीं बल्कि उसकी उनकी उपेक्षा की थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, मिलन, पथिक और स्वप्न जैसे प्रेमाख्यानक काव्यों के रचयिता हैं ए, राम नरेश त्रिपाठी, बी, लोचन प्रसाद पांडे, सी, हरियोद और डी, श्रीधर पाठक। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, श्रीधर पाठक के ये तीनों प्रेमाख्यानक काव्य हैं, प्रेम इनकी पृष्ठभूमि में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र। उम्मीद करती हूँ कि आज के सत्र से आपके बहुत सारे कंसेप्ट्स, बहुत सारी अवधारणाएं हिंदी साहित्य से संबंधित क्लियर हो गई होंगी, स्पष्ट हो गई होंगी। अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।